जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के बारे में। जैसा कि सभी को पता है, आपकी भर्ती आई थी, काफ़ी समय भर्ती हो गया, 2022 यानी कि जनवरी 2022 में आपकी भर्ती आई थी हेड ऑपरेटर के लिए, असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए और वर्कशॉप के लिए। ठीक है, तो उसी के एग्जाम डेट को लेकर बात करने वाले हैं। आखिर इसका पेपर कब तक हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि सर आखिर इसका पेपर कब तक होगा, तो सभी डिटेल बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों की क्वेरी ये भी होती है कि सेक्शनल कट ऑफ वगैरह कितनी रहेगी, निगेटिव मार्किंग है, नॉर्मलाइजेशन वगैरह होगा, पेपर कैसा होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, किस प्रकार के पेपर होने वाले हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो भी अभ्यर्थी इसकी जो तैयारी कर रहे हैं और जो भी अभ्यर्थी जिसने भी इसमें फॉर्म डाला है, तो मैं आपको बता दूं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि पुरानी भर्ती हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके होंगे। तो इस भर्ती में वैसे भी आपको पता है, जैसे कि 936 जो पद है सॉरी हेड ऑपरेटर के, तो वहां पर सिर्फ 76516 आवेदन ही गए। ठीक है, और 1374 असिस्टेंट ऑपरेटर के, तो 389711 आवेदन गए। 120 वर्कशॉप के, तो वहां 73614 गए। तो ये आवेदन गए कब गए, 2022 में जनवरी में, और 2024 में कहीं ना कहीं पेपर होगा। तो आपको पता है इस दौरान बहुत सारी भर्तियां कंप्लीट हुई हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप अच्छी खासी तरीका से तैयारी करते रहोगे तो आपके लिए एक सुनहरा मौका बन जाएगा। और आपको भी पता है पुलिस की नई भर्ती आने वाली, तो उसका अभी तो पेपर नहीं होगा। ठीक है, ये ले सकते हैं चुनाव से पहले, मगर पेपर अभी नहीं होने वाला है। और आपको भी पता है रेडियो ऑपरेटर जो असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर का जो जॉब प्रोफाइल है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूं आप लोग सभी तैयारी करते रहो। अब हम बात करने वाले हैं आखिर इसका पेपर कब तक होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो अभ्यर्थी कह रहे थे कि क्या नवंबर में हो जाएगा, नहीं होने वाला है, कोई भी चांस नहीं रह गए नवंबर में। आपका पेपर दिसंबर और जनवरी, इससे बाहर नहीं जाने वाला। और जनवरी में आपको बता दूं, 10 जनवरी से पहले इसके जो एग्जाम डेट वगैरह जारी कर दी जाएगी, यानी कि क्लियर कर दी जाएगी कि जनवरी के 10 जनवरी से पहले आप मान सकते हो। और इतनी बड़ी कोई भीड़ भी नहीं है, तो पेपर यहाँ पर काफ़ी समय चले, ये लगभग 2 दिन भी पेपर करा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी संख्या है नहीं। और बहुत सारे बच्चे पेपर भी छोड़ेंगे, जब आपको पता है कि अन्य वैकेंसियों में UPSSC की जो भर्तियां होती है उनके पेपर होते हैं, तो उनमें लाखों बच्चे बैठते हैं, तो उसमें भी पेपर 1 से 2 दिन में हो जाता है। तो यहाँ पर भी 1 से 2 दिन में पेपर आपका हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मेरा सभी अभ्यर्थियों से यही निवेदन है कि परीक्षा आपकी दिसंबर में मानकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बहुत सारे अभ्यर्थी अभी पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, मुझे पता है। अब देखो, कन्फर्म तो कोई नहीं बता सकता, पूरे यूट्यूब पर मैं बता दूं, कन्फर्म कोई कह दे कि दिसंबर में हो जाएगी, एक एक्सपेक्टेड चीज़ें होती है, जो भी चीज़ें पता चलती। तो आपको बता दूं, ये परीक्षा हर हाल में जनवरी से बाहर नहीं जाने वाली है। और देखो, चुनाव से पहले आप सोच रहे हो कि चुनाव के बाद ही एग्जाम इसका होगा, चुनाव के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि जनवरी से पहले इसका पेपर कराने की, क्योंकि आपको पता है यूपी पुलिस की जो भर्ती आनी है, OTR वगैरह होगा, तो वहां पर UPSI की भर्ती देखने को मिलेगी और बहुत सारी भर्ती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, ये जनवरी से बाहर नहीं जाने वाला। तो अभी भी ज्यादा समय है नहीं, बस 1 से 1.5 महीना आपके पास है, तो आप लोग तैयारी करते रहो, क्योंकि जिसकी तैयारी अच्छी होगी उसी को यहाँ पर सिलेक्शन मिलने वाला है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। अब हम बात करने वाले सेक्शन कट ऑफ को लेकर। देखो, 50% सेक्शनल कट ऑफ रहने वाला है, टोटल में भी 50% होना चाहिए। और देखो, इसमें सबसे बड़ी बात ये अच्छी ये है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। और देखो, नॉर्मलाइजेशन होगा, वो असिस्टेंट ऑपरेटर की भर्ती में नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि वहां पर अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है। और देखो, पेपर को लेकर जहां तक उम्मीद है कि OMR बेस्ड ही होना चाहिए और OMR बेस्ड ही पेपर होगा। तो ये सारी चीजें, और देखो भर्ती को आयु काफी समय हो चुका है, तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं की दूसरे एग्जाम, दूसरी वैकेंसी भी लग जाते हैं, तो कंपटीशन का स्तर गिर जाता है। तो इसलिए आपको अगर थोड़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लोगे, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छी तरीके से नौकरी पा सकते हो 2024 में, और जल्द से जल्द इस भर्ती को कंप्लीट किया जा सकता है। अगर एक बार इस भर्ती का पेपर हो गया, तो फिर यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लगेगा ये जोने वगैरह देने में, क्योंकि फिर ये उधर व्यस्त हो जाएंगे यूपी पुलिस के जो कॉन्स्टेबल के पद आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द आएंगे, और इसकी जो परीक्षा लगभग हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी के, यानी कि 10 जनवरी से पहले कोई ना कोई 2 डेट लग जाएंगी, और आने वाले समय में यही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर सोच रहे हो कि 3 से 4 महीने मिल जाएंगे, उससे पहले जो बोर्ड है आपको बता देगा कि हम पेपर इतने दिन बाद लेने वाले, ऐसा नहीं होने वाला। जेल बार्डन में देखा होगा, पुरानी भर्ती थी, उन्होंने तुरंत नोटिस निकाल दिए, फिर बच्चे रह गए, तैयारी भी नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो आप लोग तैयारी करते रहो। तो हम वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आने वाली भी अपडेट होगी इसी चैनल के माध्यम से।